सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन एंड आप देख रहे हो टेकी आर। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग M21 एडिशन के बारे में। एंड गाइज, वाकई में बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पर, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आने वाला है। सो अगर आप लोग 10 से 12,000 की रेंज में कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि यही फ़ोन आपकी बेस्ट डील बन जाए। क्या है इस फ़ोन की प्राइसिंग, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, कब ये अवेलेबल होगा, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, सारी बातों पर आज हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। सो यहां पर आपको बैक साइड पर प्लास्टिक की बैक दी गई है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। एंड फ्रंट साइड पर गाइस यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि अच्छी बात है। अब गाइस बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, फिजिकल ओवरव्यू की। सो गाइस, यहां पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। एंड ये कैमरा सेटअप भी काफी यूनिक सा है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा गाइस फ्रंट साइड पर आपको सिंगल वाटर ड्रॉप नोच में कैमरा मिलने वाला है। अब इस प्राइसिंग पर सैमसंग से गाइस पंच होल एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। सो गाइज, यहाँ पर आपको बैक साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी है। एंड यहाँ पर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलने वाला है, मतलब आप ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगा पाओगे, जो कि एक अच्छी बात है। सो गाइज, प्राइसिंग को देखते हुए मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको अच्छी बिल्ड एंड अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल रहा है प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली। अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। सो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। मतलब सैमसंग फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ चुका है, जैसे कि अभी बीच में सैमसंग खराब हो गया था। मतलब अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती थी तो HD रेजोल्यूशन होते थे, अगर फुल HD रेजोल्यूशन मिलते थे तो यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती थी। बट इस फोन में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी मिल रहे हैं एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर गाइज आपको 403 की PPI भी मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको 420 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है। अब गाइज ब्राइटनेस से मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट रहेगी, यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी इसकी लो, मुझे थोड़ी क्या लो ही लगी है। मतलब 420 निट्स की गाइज ब्राइटनेस, बाकी जब फ़ोन हाथ में आएगा तभी हम बता पाएंगे कि इसकी डिस्प्ले आपको एक्चुअल में कैसी मिलती है, सनलाइट में इसकी विजिबिलिटी कैसी होती है। बाकी सैमसंग की डिस्प्लेस अच्छी होती हैं, हम सबको ये बात पता है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम आएगी, अच्छी डिस्प्ले दी गई है, सुपर एमोलेड है। सो वैसे ही हम इसे गलत नहीं कह सकते, अच्छी डिस्प्ले आपको मिलने वाली है इस फोन में। सो डिस्प्ले से भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। बात करते हैं गाइज इसके कैमरास की। सो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर गाइज आपको 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, देन 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5 MP का डेप्थ कैमरा। यहाँ पर गाइज आपको मैक्रो लेंस नहीं मिलता है, बट अच्छी बात है वो 2-2 MP वाले कैमराज भी अगर दे देते एक तो उसका भी कुछ ज़्यादा खास फायदा ना होता। बाकी यहाँ पर आपको जो दो बाकी कैमराज मिलते हैं वो 8 और 5 MP के मिलते हैं, जो कि आपको अच्छी फोटोज़ दे देंगे। बात करते हैं गाइज फ्रंट कैमरा की। सो यहाँ पर आपको 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। गाइज आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसके बैक कैमरा से 30 FPS पर, जो कि एक अच्छी बात है इस प्राइसिंग में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सैमसंग की तरफ से, गुड पॉइंट। उसके अलावा गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जिंग की। सो गाइज यहाँ पर आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलने वाली है, बट यहाँ पर आपको चार्जर मिलता है 15W का। अब चार्जर गाइज यहाँ पर आपको छोटा दिया गया है, 15W की चार्जिंग को फ़ोन सपोर्ट करता है, 15W का चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा। 6000 mAh बैटरी, 15W का चार्जर, मतलब आपको अपने चार्जर के साथ काफ़ी समय बिताने को मिलेगा। बट एक बार इसे फुल चार्ज करने पर आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप ये फ़ोन दे देगा। मतलब आपको चार्जिंग में ज़रूर से टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको काफ़ी टाइम तक चार्जर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बैटरी का साइज़ काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, सो यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। चार्जिंग के टाइम पर थोड़ा टाइम ले सकता है, ये बात ध्यान में ज़रूर से रखना। उसके अलावा गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। सो यहाँ पर आपको मिलता है एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर। प्रोसेसर बुरा नहीं है, बट प्रोसेसर गाइस काफ़ी पुराना हो चुका है। सैमसंग ने इस प्रोसेसर को अपने बहुत से फ़ोनों में यूज़ किया है, मतलब एक टाइम था जब सैमसंग के हर फ़ोन में हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलता था, बट फिर से सैमसंग को तब थोड़ी सी समझ आ गई थी
और ये प्रोसेसर को उन्होंने छोड़ दिया था, बट अब फिर से सैमसंग इस प्रोसेसर को लेके आ चुका है। बट प्रोसेसर इतना भी बुरा नहीं है, प्रोसेसर अच्छा है गेमिंग के लिए भी एंड डेली यूज के लिए भी, प्रोसेसर आपको कोई कंप्लेंट नहीं देगा। 10 nm का गाइज ये प्रोसेसर है एंड 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड, आपको पीक क्लॉक स्पीड इस प्रोसेसर में मिल जाएगी। एंड्रॉइड 11 पर गाइज आपको ये फोन मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड 1 UI 3.1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बट कोर एडिशन में, मतलब यहाँ पर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी भी मिलेगी बट फुल फ्लेज आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसके अलावा गाइज अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट की। सो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलने वाले हैं, 4GB रैम विद 64GB इंटरनल मेमोरी एंड 6GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी। एंड गाइज इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है 26 तारीख को, 26 जुलाई को, जहां पर गाइज आपको ये अमेजोन पर मिलने वाला है, जो इसकी मेन प्राइसिंग है 12,499 पर इसे लॉन्च किया गया है। बट फर्स्ट सेल में गाइज आपको कुछ कार्ड ऑफर्स भी मिल जाएंगी, वहां पर आपको 1,000 rupees की लेस देखने को मिल जाएगी। मतलब गाइज आपको ये फ़ोन पड़ेगा 11,499 की रेंज में, और इस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन गाइज वाकई में एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बन सकता है क्या, है ही, मतलब इस प्राइसिंग पर गाइज आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगी, 48 MP बैक कैमरा, 20 MP मेन कैमरा, 6000 mAh का बैटरी बैकअप। सो इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग गाइज, इन स्पेसिफिकेशन के साथ मैं आपको ये फ़ोन ज़रूर से रेकमेंड कर सकता हूँ, ज़रूर से रेकमेंड करता हूँ। मतलब इस प्राइसिंग के साथ सैमसंग का ये फ़ोन वाकई में गाइज काफ़ी अच्छी डील आपके लिए होने वाली है। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो 26 तारीख को Amazon पर जाकर ज़रूर से इस फ़ोन को चेकआउट करना, और अगर आप इस फ़ोन की कंपैरिजन वीडियो चाहते हो किसी और फ़ोन के साथ तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता कर जाना, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।